रही है दमोह से, जहां जटाशंकर कॉलोनी में एक महिला अपनी दो बेटियों के साथ फंदे पर लटकी मिली। घटना बुधवार शाम करीब 7 बजे की है। मृत महिला के माता पिता का कहना है कि उनकी बेटी के दो बेटियां थी, जिससे उनका पति नाखुश रहता था, इसलिए मारपीट करता रहता था। उसी ने उनकी बेटी और दोनों नातिनों को फांसी पर लटका दिया है। सूचना मिलने के बाद रात करीब 8:30 बजे कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को जिला अस्पताल के शवगृह में लाकर रखा गया है। लता रजक अपनी 4 साल की बेटी इसिका और 2 साल की बेटी रिया के साथ फंदे पर लटकी मिली है। लता के पिता सब्बू रजक का आरोप है कि उनकी बेटी का पति हाकम बेटे की चाह रखता था। उनकी बेटी की दो बेटियां पहले से थी, जिन्हें लेकर वो हमेशा ही गुस्से में रहता था। इसके अलावा बेटी के चरित्र पर संदेह भी करता था। उनका आरोप है कि उनके दामाद ने ही बेटी और दोनों नातिनों को फंदे से लटकाया है। उनकी बेटी के पैर फंदे पर लटकने के बाद जमीन से टिके हुए हैं। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने कार्यवाही शुरू कर दी है। कोतवाली थाना में पदस्थ एएसआई अलजार सिंह मौके पर पहुंचे हैं। घटना की जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल महिला का पति घर से गायब है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। संदेह करता था, मारपीट करता था, तो हमको दसा जी लगता था कुछ टांग के चला गया। कैसे को ये पहले से परेशान करता था सर, मारपीट करता था। बच्ची नहीं चाहिए थी, लड़का चाहिए था। इतने सुंदर सुंदर गहने हैं लाए, दुल्हन के रूप में 4 चांद लगाए। के रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।